हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, तो आज मैं आपको कुछ इस टाइप के फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बताऊंगा कि इस फोटो को मैंने कैसे एडिट किया और किन किन ऐप की मदद से किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गाइस मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो। तो गाइस, मैंने इस फोटो को दो ऐप से एडिट किया है, पहला तो पिक्सआर्ट, दूसरा लाइटरूम। लाइटरूम से मैंने इसे रिटचिंग किया है, पिक्सआर्ट से मैंने इसे बैकग्राउंड सेटअप किया है। तो बैकग्राउंड सेटअप कैसे किया है गाइस, इसलिए इससे पहले आपको अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो गाइस, बैकग्राउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, यानी जितने भी चीज़ें हैं उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो बैकग्राउंड का हम चलते हैं पिक्सआर्ट में इम्पोर्ट करते हैं। सो गाइस, बैकग्राउंड पिक्सआर्ट में इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट होने के बाद गाइस, आपको जाना है डायरेक्ट एड फोटो वाले ऑप्शन में। यहाँ जाने के बाद गाइस, आपको अपना मॉडल सेलेक्ट करना है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको मॉडल को बैकग्राउंड में सेटअप कर लेना है। तो मैंने गाइस इस तरह सेटअप कर लिया। उसके बाद मैं गाइस यहाँ डन नहीं करूँगा। डन नहीं करने के बाद आपको जाना है फिर से एड फोटो में ऑप्शन में। यहाँ जाने के बाद गाइस, जहाँ पर आपकी स्टॉक है उसको ऐड करते जाना है लाइन से। तो मैं गाइस करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। तो मैं यहाँ से एक टेस्ट PNG लेके आया हूँ, उसको यहाँ लगा दिया मैंने गाइस। उसके फिर मैं एक बार एड फोटो में जाऊँगा और यहाँ से मैं कहाँ गया, चौबा एक लाइट PNG लूँगा, शेडो लाइट PNG। उसको मैं ब्लेंड मोड में जाऊँगा, ब्लेंड मोड में जाने के बाद मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसको स्क्रॉल डाउन कर दूँगा कम से कम इतना रख दूँगा। रखने के बाद गाइस, मैं इसकी ओपेसिटी को हल्का सा कम कर दूँगा, कम कर दूँगा। उसके बाद मैं डन कर दूँगा। डन करने के बाद गाइस, मैं फिर एक बार एड फोटो वाले ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद गाइस, मैं इस शेडो वाली PNG को लेके आऊँगा और इसे कुछ इस तरह से लगाऊँगा ताकि एक अच्छी लुक लगे। बोल के इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं डन कर दूँगा। डन करने के बाद फ़ोटो हो गई हमारी कंप्लीट यहाँ। तो इसके बाद हम जाएंगे इसे लाइटरूम में इंपोर्ट करेंगे। लाइटरूम में इंपोर्ट करने के बाद इसे थोड़ा रीटच करेंगे। तो गाइस, हम पिक्सआर्ट से बैकग्राउंड सेटअप करने के बाद आ गए हैं लाइटरूम में फ़ोटो को रीटच करने के लिए। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, आपको डायरेक्ट जाना लाइट वाले टूल में। लाइट वाले टूल में जाने के बाद यहाँ आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। तो मैं करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। कॉन्ट्रास्ट को मैं हल्का सा बढ़ाऊँगा, सॉरी गाइस, मैं हल्का सा घटाया हूँ, उसको भी हल्का सा घटाऊँगा और शेडो को नहीं छेड़ूँगा। उसके बाद मैं वाइट्स को घटाऊँगा, उसके सॉरी गाइस, इसको हल्का सा बढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं कलर टूल में जाऊँगा। कलर टूल में जाने के बाद मिक्स टूल में जाऊंगा। मिक्स टूल में जाने के बाद गाइस, मैं इसको हल्का नहीं, इसको सेचुरेशन को फुल कर दूंगा। येलो टोन का सेचुरेशन को फुल कर दूंगा। ऑरेंज में जाऊंगा और इसको मैं सेचुरेशन को कम कर दूंगा और हल्का से बढ़ा दूंगा। तो गाइस, तो फोटो आपको मैं बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। तो देख रहे हैं गाइस, बहुत ही थोड़ा हल्का हल्का सा कलर रेडिंग हुआ है, तो ये ठीक ही लग रहा है गाइस। उसके बाद मैं डन कर दूंगा। तो गाइस, मैंने कुछ इस तरह से ही एडिट किया था। तो वीडियो कैसे लगी गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कीप सपोर्ट गाइस। ओके, बाय।